हाय गाइस, वेलकम टू CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में मैक्रो रिकॉर्डिंग करना, मैक्रो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसे रन करना और साथ ही जानेंगे मैक्रो रिकॉर्डिंग को डिलीट करना। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी लेटेस्ट वीडियोज हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का विंडो है और इसमें हम जानते हैं मैक्रो रिकॉर्डिंग करना और साथ ही जानेंगे रन करना। यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो है विंडो में बहुत सारे ऑप्शन सब मौजूद है। यहाँ पर क्या करना होगा, तो सबसे पहले जहाँ पर मैक्रोज ऑप्शन है वहाँ पर हमें ढूंढना होगा। यहाँ पर व्यू मेनू जो है, व्यू मेनू में यहाँ पर देखेंगे क्लोज ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन मौजूद है, जिसमें एक डिजेबल है और दो इनेबल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैक्रो को रिकॉर्डिंग करना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी यहाँ पे रखते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पे मैसेज आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब भी क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पे मैक्रो नेम है। ठीक है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, CMC देते हैं। यहाँ पे मैक्रो नेम देना होता है, तो मैक्रो नेम देने के बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैक्रो, दो तरह के मैक्रो होते हैं, एक होते हैं टूल्स बार मैक्रो और दूसरा होते हैं कीबोर्ड मैक्रो। दोस्तों, फ़र्क क्या होता है, तो जब भी आप टूल्स बार कीबोर्ड मैक्रो यूज़ करेंगे तो आपको शॉर्टकट की बनाना होगा। शॉर्टकट की से क्या होता है, जब भी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, मान लीजिए कंट्रोल प्लस के है, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रन होगा मैक्रो। और टूल्स बार में क्या होता है, तो जब भी हम रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्डिंग किया हुआ कंटेंट है वो मैक्रो में वो सब क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो चलिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, पहले टूल्स बार मैक्रो बनाते हैं, यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं, ये पॉइंटर के नीचे जो देख रहे हैं, इंडिकेट कर रहा है कि मैक्रो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे माई नेम इज राज, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, आई एम लर्निंग कंप्यूटर इन CMC कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे एक कंटेंट है, मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। और इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, इसमें हम बोल्ड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल यू अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल बी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो उस क्या करते हैं, इसके बाद हम मान लीजिए जो भी आपको चेंज करना है सब कुछ चेंज करके इसमें, इसके बाद आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। अब जो ये जो है मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुका है, इसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे, मान लीजिए CMCIT प्रोग्राम, ठीक है, तो ये जो है नीचे का कंटेंट जो है, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद में लिखा गया है। ये आप ये जो है, तो जिस वक्त कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो रहा था डॉक्यूमेंट में मैक्रो रिकॉर्डिंग, उस वक्त का कंटेंट है। तो चलिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे फाइल में जा करके हम न्यू में जाते हैं। ठीक है, न्यू में जाते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट। दोस्तों, क्या होता है, तो जब भी आप मैक्रो बनाएंगे तो जो भी फाइल ओपन करके, जहाँ पर भी ओपन करें या न्यू फाइल बनावे, जहाँ भी आप ओपन कर सकते हैं, जब भी व्यू में जाएंगे तो व्यू में जाके मैक्रो में जाके यहाँ पे व्यू मैक्रो करना है, तो CMC जो है ये डायलॉग बॉक्स में मैक्रो नेम रहेगा। जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये यहाँ पे मौजूद रहेगा। अब इसे रन कीजिए। रन करने के बाद में देख रहे हैं, वो जिस वक्त जो रिकॉर्डिंग हो रहा था उस वक्त का कंटेंट, जो रिकॉर्डिंग किया हुआ कंटेंट यहाँ पे मौजूद है। और जब स्टॉप रिकॉर्डिंग किया गया था, स्टॉप रिकॉर्डिंग के बाद का जो कंटेंट है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में हम मैक्रोज ऑप्शन के माध्यम से हम मैक्रो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मान लीजिए कि ये जो मैक्रो रिकॉर्डिंग हो चुका है, अगर हम चाहते हैं यहाँ से हम ये भी मैक्रोज में जा करके और ये जो CMC है इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम डिलीट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये मैक्रो जो है यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि डू यू वांट टू डिलीट मैक्रो CMC एस, अगर एस करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। अब जितना आप प्रयास करेंगे तो आप मैक्रो रिकॉर्डिंग को रन नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैक्रो रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुका है। यहाँ पर क्लिक कीजिए, व्यू में जाके, मैक्रो में जाके, यहाँ पर व्यू में जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आप बिल्कुल इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में किसी भी मैक्रो को मैक्रो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं व्यू टूल्स के, व्यू मेनू के अंतर्गत मैक्रो को हम रन कर सकते हैं और साथ ही मैक्रो को हम डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे बहुत सोशल मीडियाज़ है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूँ।